एक और सुहाना दिन है बब्लू डब्लू पार्क में। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। और फिर क्या?
अब ये गायब हो जाएगा। वाह, बड़े तुम तो कमाल के जादूगर निकले। मुझे ऐसे बहुत सारे खेल आते हैं। बड़े मुझे एक तरकीब सूझी है, क्यों ना हम मिलकर जादू का शो करें और सबको बुलाएं? ये अच्छा आइडिया है, मैं जाकर सबको बताता हूँ। रुको रुको, मैं भी आता हूँ। कल बड़े जादू दिखाएगा। सुनो, कल बड़े जादू दिखाएगा। क्या कहा तुमने? पिंकी, कल सुबह मैं जादू दिखाऊंगा, कल जरूर आना। बबली, बबली, कल तुम मेरा जादू का खेल देखने जरूर आना। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सभी आओगे। मैंने इसका एक जादू देखा और वो बहुत लाजवाब था। सही में, तब तो मैं जरूर देखना चाहूँगा। मैं नहीं जा रही। पर क्यों? मैं भी नहीं। तुम लोग क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि तुम देर करते हो और मुझे पता है कि तुम कल भी देर करोगे। तुम बहुत अजीब से हो। बिल्कुल सही। तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। ओ कल प्लीज आओ तुम सब, मैं वादा करता हूँ समय पर आऊंगा। मेरे ख्याल से इसे एक और मौका देना चाहिए, ठीक कहा ना दोस्तों? हाँ प्लीज, एक मौका और। हाँ दोस्तों, तुम सब आना। हाँ हम आएंगे। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। ठीक है, तो मैं भी आऊंगा। बड़े, हमें देर हो रही है, बस एक सेकेंड, मैं आ रहा हूँ। अरे रुको, अपना पत्थर भूल गया। बड़े, अगर हमें देर होगी तो सब लोग गुस्सा करेंगे। अब चलो। मैं आ गया। अरे अरे नहीं, मेरी रस्सी। बड़े जल्दी करो। एक सेकेंड और। मैं नाश्ता करना भूल गया। मुझे यकीन है उन सबको पसंद आएगा। चलो देखते हैं अब वो मिलेंगे भी या नहीं। गुड मॉर्निंग बड़े छोटे। पर लल्लू रुको, मैं घर जा रहा हूँ। मेरा खेल शुरू ही होने वाला है। फिर कभी? तुमने वादा किया था, पर तुम फिर देर से आए। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। बबली, बड़े मैं तुम पर गुस्सा हूँ। ओ निकू, छोटे, बड़े मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। पर भाई, बड़े बड़े तुम्हें याद है राजकुमार लल्लू ने हमें बुलाया था? हमने उसका कितना इंतजार किया था। हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे, पर वो नहीं आया, वो बस भूल गया। फिर तुमने उसे कहा। लल्लू, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तुमने हमें केले देने का वादा किया था। और फिर? मैं समझा, तब मैं गुस्सा हुआ था। ओ ठीक है, अब मैं कभी भी देर नहीं करूँगा। बड़े क्या बात है, तुम तो जल्दी उठ गए। गुड मॉर्निंग मम्मी। क्योंकि हमें आज बाहर घुमाने ले जाने वाले हैं और मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता। बाय मम्मी। बाय बेटा, संभल के जाना। बड़े कहाँ है? हमेशा की तरह लेट है। अजीब बात है, मम्मी ने तो कहा था कि वो बहुत पहले चला गया, पर अब वो कहाँ है? वो तो हमेशा ही देर करता है, हमें इंतजार करना होगा। उसने फिर से देरी की, फिर इंतजार करो। इसमें कितना मजा आया ना। बड़े, ओ ये कोच चमरू के साथ था। आज सुबह बड़े यहाँ सबसे पहले आया था। मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इस नन्हे बच्चे ने वाकई आज मेरी बहुत मदद की है। ओ अच्छा, तो इसका मतलब तुम वहाँ पर थे। माफ करना दोस्तों, मैं हमेशा ही देरी से आता हूँ, माफ करो। आगे से ऐसा मत करना। मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी देर नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। तो ठीक है बच्चों, अब लाइन में खड़े हो जाओ, चलो हम सब थोड़ा घूम के आते हैं। आज मौसम बहुत प्यारा है, तो आइए देखते हैं ये नन्हे शैतान आज क्या करने वाले हैं। वाह, ये बुड्ढा कितना बड़ा है।
राजकुमार लल्लू कुछ दिनों में ये और पक जाएगा तो वापस आकर फिर इसे तोड़ेंगे। हम भुट्टे खाएंगे। फिर तो कितना मजा आएगा। अरे नहीं, कबूतर हमारे भुट्टों को चुरा रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई? ए दूर हटो, भागो भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो भागो। डरो मत लल्लू, अब वो चले गए। ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो। ये फिर से आ गए। जाओ, भागो यहाँ से। क्या वापस मत आना। हमें क्या करना चाहिए? हाँ, मुझे पता है। लल्लू, मेरे पास एक आइडिया है। हम यहाँ पर एक बिजू का बना देते हैं। एक बिजू का? लगता है कुछ तो गायब है। आ, मुझे समझ में आ गया। लल्लू, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। लो, तुम ये पहनो। छू। अच्छा बना है, बस एक नाक की जरूरत है। ये कैसा रहेगा? ए छोटे, जरा इधर देखो, ये मेरी हैट और मेरी गाजर वाली नाक। कमाल की है ना? मेरा दावा है वो पक्षी वापस नहीं आएंगे। जरा रुको। ए, ए, छोटे, तुम करना क्या चाहते हो? मेरी गाजर वाली नाक क्यों तोड़ी? क्योंकि बिजू का गाजर वाली नाक से बहुत अजीब दिखेगा, लकड़ी सही रहेगी। बिल्कुल नहीं, ये गाजर के साथ ज्यादा अच्छा दिखता है। तुम गलत हो, लकड़ी अच्छी लग रही है। मैं नहीं मानता, गाजर वाली नाक ज्यादा अच्छी है। नहीं, लकड़ी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, हैट लेकर जा रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, मैं अपनी मैट ले लूंगा। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मिस बैनर्जी, आज आप हमें क्या स्वादिष्ट चीज बनाना सिखाएंगी? बड़े, तुम्हारी लार टपक रही है। बच्चों, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि जामुन का जैम कैसे बनाते हैं। पर उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ जामुन चाहिए। क्या कहते हो बच्चों? बढ़िया। बड़े, देखो मेरे पास कितने जामुन हैं। ये तो बहुत है। छोटे लल्लू, इतने सारे जामुन। चलो दोस्तों, मेरे पीछे आओ। राजकुमार लल्लू, मेरे लिए रुको, मैं आ रहा हूँ। चलो 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 चलो। लल्लू, क्या तुम थोड़ी और मदद करोगे? तुमने सबसे ज्यादा जामुन जमा किए, तो अगली बार तुम्हें और मेहनत करनी पड़ेगी। ओह, क्योंकि मेरे जामुन ज्यादा हैं, इसलिए मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैम का ज्यादा हिस्सा भी मुझे मिलेगा। मुझे नहीं लगता। तुम क्या कर रहे हो लल्लू? मैं ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मुझे ज्यादा जैम मिले। नहीं, तुमने कम चुने
इसलिए तुम्हें कम मिलेगा। बिल्कुल नहीं, मैं सबसे ज्यादा हिस्सा लूंगा। चलो चले। मेरे जामुन छोटे, ये सब तुम्हारी गलती है, ये सब जमीन पर गिर गए। तुम ही हो जिसने ये सब किया है, तुम्हारी गलती है। मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। नहीं, ये तुम्हारी गलती है। ये तुमने किया, ये सब तुम्हारी गलती है। नहीं, तुम्हारी। मान लो ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हारी गलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हारी गलती है। सुनो दोस्तों, इधर आओ, मेरे पास एक आइडिया है, तुम सब सुनो। सुनो दोस्तों, इधर आओ, चलो पैर बांधकर भागने वाला खेल खेलें। पहले अपनी अपनी टीम बनाओ। मेरी टीम में रिंकी रहेगी। मुन्ना, तुम अपनी टीम में किसको लेना चाहते हो? मैं बड़े के साथ रहूंगा। तो बच गए लल्लू और छोटे, तुम दोनों एक टीम में हो जाओ, क्या ये ठीक है? मैं इसके साथ एक टीम में नहीं रह सकता। मुझे भी तुम्हारे साथ टीम नहीं बनानी। छोटे शांत हो जाओ, तुम भी राजकुमार लल्लू, हम सब ने पहले ही टीम बना ली है, अब सिर्फ तुम दोनों ही बच गए हो। पर अब कुछ मत बोलो, खेल शुरू करते हैं। ठीक है, है। वहाँ पर दो पेड़ देख रहे हो, जो टीम वहाँ पे पहले पहुँचेगी वही टीम जीतेगी। तो क्या सब तैयार हो? On your marks, लल्लू। अच्छा सुनो, जब मैं एक बोलूँ तो अपने दाएं पैर का इस्तेमाल करना, और जब मैं दो बोलूँ तो अपने बाएं का। दाएं और बाएं। एक, ठीक है, समझ गया। दो, तीन, चलो। लल्लू, तुम्हारा गलत पैर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, तुम गलत कर रहे हो। कुछ भी हो, मैं खुद चलूंगा। लल्लू चलो चले। बिल्कुल नहीं, तुम मुझे आराम से चलने नहीं दे रहे, तो मैं तुम्हें आराम से क्यों चलने दूं? उठे लल्लू, जल्दी करो, नहीं तो तुम हार जाओगे। लल्लू उठो, नहीं तो हम खेल हार जाएंगे। उठो। एक दो, एक दो। लल्लू तुमने गलत किया है। मैंने नहीं किया, तुम्हारे एक कहने पर मैंने अपना दायां पैर आगे किया। ये सही पैर है, तुम्हें यकीन है? तो ठीक है, जब मैं एक बोलूं तो बंधा हुआ पैर उठाना है, और जब दो बोलूं तो दूसरा पैर उठाना है। ठीक है, समझ गया। चलो, एक दो, 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 एक दो। ये हम जीत गए। बहुत अच्छा दोस्तों, तुम जीत गए, मुबारक हो। छोटे लल्लू, क्या तुम जानते हो कि तुम क्यों जीत गए? हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं बहुत तेज चलता हूँ। नहीं, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर खेला। हमने मिलकर खेला? बिल्कुल सही, तुम दोनों बहुत तेज चले क्योंकि तुम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। समझ गया, मैंने जो किया उसके लिए माफी। हमें एक साथ काम करने के बहुत मौके मिले। मुझे खुशी है तुमने कर दिखाया। लल्लू चलो चलकर बिजुबा को पूरा करते हैं। मुझे लगता है गाजर अच्छी रहेगी नाक के लिए। मेरे हिसाब से तो लकड़ी भी चलेगी।